ठीक है, उसके बाद क्या करो, काम शुरू करो। क्लियर है? आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। क्लियर? लैडर पे तुम लोग लैडर समझते हो? लैडर सीढ़ी समझते हो? है, तो हमने देखा आप सीढ़ी पे भी काम करते हो आप लोग। ओके, तो सीढ़ी में क्या हजार्ड्स हो सकता है, क्या खतरा हो सकता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। सीढ़ी क्या होता है, लैडर, देखो लैडर बेसिकली बात करें तो लैडर जो होता है सीढ़ी का समझते हो ना, एक जगह से मतलब जीना जिसको बोलते हैं, यहाँ से लगा के वहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए, समझ में आता है? तो देखो उसमें क्या खतरा हो सकता है, आप कोई बताएगा, बताओगे? बढ़िया है ना, क्या खतरा हो सकता है बताओ, आप चढ़ते समय क्या खतरा हो सकता है? ये ठीक है, अच्छी बात है। देखो सबसे पहले ये आपको देखना होगा, क्या अगर मान लो कि आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, ओके, बढ़िया से प्रॉपर नीचे उसका पोर्शन नहीं रखा हुआ है तो फिसल सकता है सीढ़ी। सीढ़ी के साथ साथ आप भी आ सकते हो, मतलब स्लिप ट्रिप का खतरा हुआ, गिर सकते हो ना, ठीक है। नंबर सेकेंड, अगर बात करें, अगर आप बढ़िया से पकड़, जिसे ना जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है आप अच्छे से नहीं चढ़ने आपको नहीं आएगा, तो आप फिसल सकते हो, गिर सकते हो ना। क्लियर है? अगर आपका सीढ़ी ऊपर बंधा नहीं हुआ है तो भी फिसल सकता है ना, गिर सकते हो ना। तो ये सारा ना हो हमारे साथ दुर्घटना, इसके लिए हम यहाँ पर डे इकट्ठा होकर आप लोगों को समझाते हैं। ओके, क्लियर है? तो हम क्या करें इसके लिए, सबसे पहले तो अगर लैडर लाने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सही कंडीशन में है कि नहीं, कहीं जंग तो नहीं लगा है ना। ओके, कहीं टूटा तो नहीं है ना, ब्रेक तो नहीं है ना। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि सामने दिखने में सही लग रहा है, अंदर से खोखला हो, तो उसको क्या करेंगे, हम उसको भी इंश्योर कर लेंगे सही है कि नहीं। क्लियर है? क्लियर है ना? फिर हम क्या करेंगे, उसको लगाते समय सीढ़ी जो है हमारा, जो लैडर है उसको लगाते समय नीचे जो समतल प्लेस है, समतल मतलब सरफेस है हमारा, उसको चेक कर लेंगे कि सही तरीका का है कि नहीं। सही तरीका का मतलब कि कम्पैक्ट बैठा हुआ मिट्टी, या वहाँ पर पीसीसी है कि नहीं। ओके, उसको क्या करेंगे, वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर समतल हो, बराबर हो। उसके बाद जहाँ जिस स्काफ फोल्डिंग पे हमको चढ़ना है वहाँ से 1 मीटर ऊपर होना चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म पे हमको उतरना है वहाँ से कितना कितना होना चाहिए ऊपर, 1 मीटर, ये रूल होता है। क्लियर है? और लगाते समय ये देखना है कि 75 डिग्री 75 डिग्री पे लगा होता है, समझ में आता है? तिरछा जिसको बोलते हैं ना, तिरछा सीधा लगा दोगे, 90 डिग्री वर्टिकल लगा दोगे तो गिर जाओगे नहीं, चढ़ने में प्रॉब्लम होता है ना। अगर तिरछा लगाएंगे तो क्या होता है, सुनो, तिरछा लगाएंगे तो क्या होता है कि हमें चढ़ने में आसानी रहती है। तो 75 डिग्री हमेशा लगाते हैं, कितना डिग्री पे, 75 पे, कितना डिग्री पे है ना, ये तरीका होता है। जब भी लगाएंगे जिस प्लेटफॉर्म पे हमको चढ़ना है उससे कितना मीटर ऊपर होना चाहिए, कम से कम 1 मीटर, मतलब जहाँ पर उतरना है ना उससे सीढ़ी का पॉइंट 1 मीटर ऊपर होना चाहिए। क्लियर है? इससे क्या होता है, गिरने का खतरा कम होता है। और हमें क्या करना है, सीढ़ी पे चढ़ते समय, लैडर पे चढ़ते समय हमें 3 कॉन्टेक्ट पॉइंट बना के रखना है। 3 कॉन्टेक्ट पॉइंट का मतलब समझ में आता है आप लोगों को, नहीं ना? 3 पॉइंट हमारा सीढ़ी पे, मतलब कि देखो कौन कौन सा पॉइंट, 2 हाथ 1 पैर, क्योंकि 1 पैर तो उठाओगे चढ़ने के लिए, या तो 2 पैर 1 हाथ, समझ में आया? अगर हम मान लो कि ना हम खड़े हैं तो हमेशा दोनों पैर हमारा स्ट्रेट उस पर आना चाहिए और 1 हाथ, क्लियर है? इसको बोलते हैं 3 कॉन्टेक्ट पॉइंट लैडर के साथ। क्लियर है? तो हमेशा तभी आप सेफ हो, नहीं तो अनसेफ हो। क्लियर है? क्या करोगे बता दो, 3 कॉन्टेक्ट पॉइंट कौन सा, अरे बोलो भाई, 3 कॉन्टेक्ट पॉइंट मतलब 3 जो है हमारा, या तो 2 पैर 1 हाथ या 2 हाथ 1 पैर, हमेशा सीढ़ी के साथ लगा हुआ होना चाहिए, तब हम समझेंगे कि क्या है, हम सेफ है, सेफली सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। क्लियर है ना, बात समझ में आ रहा है? फिर और क्या करना चाहिए हमें बताइयो, जब भी आप काम करेंगे तो सेफ्टी हार्नेस, जैसे ही हमको लगता है कि सीढ़ी पे चढ़ के 1.8 मीटर से ऊपर जाना है, सीढ़ी हमारा है लंबा, तो उस पर हम क्या करेंगे, सेफ्टी हार्नेस लगा के चढ़ेंगे। क्या करेंगे, सेफ्टी हार्नेस लगा के चढ़ेंगे और उसको ऊपर वाला जो रंग रेल है ना उस पर एंकरिंग कर देंगे। रेल समझ में आता है, जो उसमें ना चढ़ने के लिए जो बनाया हुआ होता है ना, उसके ऊपर एंकरिंग कर देंगे, 1 मीटर कम से कम ऊपर एंकरिंग करके ही उस पर हम क्या करें, फंसा के हम काम करें। क्लियर है? क्लियर है ना? अगर हमें लैडर पे काम करना है तो, वो भी कुछ समय के लिए, है ना, समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ें आप लोग को फॉलो करना है कंपनी में, क्योंकि हम लोग काम करने आते हैं, है ना। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई दुर्घटना हो, चाहते हो तुम लोग कि हमारे साथ कोई दुर्घटना हो? नहीं ना, क्योंकि सभी लोग किस लिए यहाँ पर आए हैं, पैसा कमाने। पैसा हम कब कमा पाएंगे भाई, जब हम स्वस्थ रहेंगे, है ना। स्वस्थ कब रहेंगे, जब हम सुरक्षा में हर काम करेंगे,
सुरक्षा के नियम को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जो भी सेफ्टी इंजीनियर है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उनके साथ बात करके, है ना, जो भी प्रॉब्लम है उनके साथ बात करके, अपने सुपरवाइजर के साथ बात करके, है ना, जो हमारे आसपास में हाउसकीपिंग है उसको सही करके, क्लियर है ना, है ना, जो भी मतलब जो देखो आप कंपनी में इंटर कर गए तो अपने माइंड में ये रखिए कि सेफ्टी फर्स्ट, है ना, सेकंड में काम, क्लियर है, क्योंकि अगर आप सुरक्षित नहीं है तो आपको कोई फिर पूछने वाला नहीं है, यहाँ तक कि घर वाले भी आपको कुछ दिनों के बाद नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं, अगर आप ही खुद सही नहीं रहोगे तो माँ बाप को छोड़ के, सही है ना, आया समझ में। तो इस तरह से हमें काम करना, सुरक्षित रहना, ओके, थैंक यू, अपने लिए ताली बजा दो भाई, बस बंद करो।